हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल फिटनेस पाठशाला। स्टूडेंट्स, आज मैं आप सबके लिए फिर से लेके आया हूँ क्लास 12th फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर नंबर 5 चिल्ड्रेन एंड वुमेन स्पोर्ट्स का 4.5, जो कि है आपका फिजिकल एक्टिविटी एज करेक्टिव मेजर्स, है ना। तो फिजिकल एक्टिविटी एज ए करेक्टिव मेजर्स एंड वुमेन स्पोर्ट्स के बारे में मैं इस चैप्टर में आपको जो कि आज डीपली एक्सप्लेन करूंगा। तो उससे भी पहले, अगर आप हमारे चैनल फिटनेस पाठशाला पे नए हैं, तो सबसे पहले चैनल फिटनेस पाठशाला को लाइक सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि टाइम टू टाइम आपको इस तरीके के वीडियोज और साथ ही जो MCQs वीडियोज हैं, जैसा कि लेटेस्ट बोर्ड का पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग आपको MCQs वीडियोज भी हमारे चैनल पर अवेलेबल है। तो देर न करके हम बात करते हैं फिजिकल एक्टिविटीज एज ए करेक्टिव मेजर्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सरसाइज रिलेटेड टू लोर्डोसिस। लोर्डोसिस में हमें किस तरीके की एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, लोर्डोसिस जिनको पोस्टरल डिफॉर्मिटी, जो प्रीवियस वीडियोज में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, काइफोसिस, लोर्डोसिस, काइलोसिस, फ्लैट फीट एंड राउंडेड शोल्डर। तो ये जो पोस्टरल डिफॉर्मिटी है, नॉकनी, बोलेग, तो इन सब के लिए हमको किस तरीके की एक्सरसाइज सजेस्ट करनी चाहिए जिनके साथ ये प्रॉब्लम्स है, या किस तरीके की एक्सरसाइज हम करें इनकेस अगर हमें ये प्रॉब्लम है। तो उसके लिए फर्स्ट वन एक्सरसाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको क्या करना है, नी को थोड़ा सा वाइड रखते हुए सिटअप्स लगाना है, बोथ हैंड को नी को हाथ में रखते हुए, जैसे यहाँ पे पिक्चर नंबर 1 में एक्सरसाइज नंबर 1, बोथ हैंड को ऐसे इस तरीके से अबव द हेड रेज करके आपको सिटिंग पोजिशन में आना है लाइन से, देन बोथ हैंड को दोनों पैर के बीच में रखना है, फर्स्ट वन एक्सरसाइज। सेकेंड वन एक्सरसाइज क्या है कि हमको अपर बॉडी को पूरा फ्लैट रखते हुए और नी जो आपकी हील है उसको क्या करना है, जस्ट लाइक ए ब्रिज पोज की तरीके आपको पूरे फीट को फ्लैट रखते हुए फ्लोर पे उसको टो को क्लोज लाना है आपको हिप के पास। देन थर्ड वन एक्सरसाइज आपको क्या करना है, अर्ध पवन मुक्तासन करना है इस तरीके से वन लेग के साथ, है ना। थर्ड वन एक्सरसाइज में आपको क्या करना है लोडोसिस के लिए, अर्ध पवन मुक्तासन। फोर्थ वन क्या करना है, पश्चिमोत्तानासन करना है। फिफ्थ वन माउंटेन क्लाइंबिंग करना है। सिक्स वन आपको स्क्वाट लगाना है, बोथ हैंड को इनसाइड रखते हुए बोथ लेग के नी के बीच में अप एंड डाउन करना है इस तरीके से। देन सिक्स वन आपको लेग रेज करना है नी से बेंड करके। देन सेवन्थ वन जो है, एट्थ वन जो एक्सरसाइज है वो है आपकी ब्रिज पोज, इस तरीके से बीच पोज मेंटेन करना है। देन नेक्स्ट वन बात करें एक्सरसाइज रिलेटेड टू स्काइलोसिस। स्काइलोसिस के लिए हमको क्या करना है, हैंगिंग करना है बार पे, चिन को अप करना है, बार को क्रॉस करना है, देन नेक को रोटेट करना है, हेड को रोटेट करना है साइड टू साइड, शोल्डर को रोटेट करना है साइड टू साइड एंड बेस्ट को रोटेट करना है साइड टू साइड। साथ ही साथ वंस अगेन ब्रिज पोज की पोजिशन बनानी है, अर्ध पवन मुक्तासन करना है, पश्चिमोत्तानासन। नमस्कार। तो यहाँ पे नेक्स्ट वन एक्सरसाइज इसमें जो यूजफुल है वो है आपकी क्लाइंबिंग, माउंटेन क्लाइंबिंग, देन से चेयर को पकड़ के अप एंड डाउन करना, स्क्वाट लगाना, साथ ही साथ बैक को स्ट्रेट रखते हुए अपर बॉडी को चेयर पे बैठे बैठे बेंड करना, साइडवर्ड स्ट्रेच करना बॉडी को एक हैंड को शिफ्ट करके, देन हाफ सुपरमैन पोज में आना। ये सारी एक्सरसाइजेस आपकी रिलेटेड हैं स्काइलोसिस से। देन नेक्स्ट वन बात करें एक्सरसाइज रिलेटेड टू नॉक नी, तो टो को आउटवर्ड रखते हुए स्क्वाट लगाना, बटरफ्लाई आसन करना, तितली आसन करना, फॉरवर्ड लॉन्जिंग करना, बोथ नी के बीच में बॉल को होल्ड करके लेटना, देन साइडवर्ड लेग रेज करना, एक लेग को सीजर की तरीके क्रॉस करना। ये सारी एक्सरसाइजेस आप जो पेशेंट हैं या जिनको पोस्टरल डिफॉर्मिटी है नॉकनीज की, उनके लिए आप सजेस्ट कर सकते हो। देन नेक्स्ट वन एक्सरसाइज रिलेटेड टू बोलेग। इसमें क्या करना है कि आपको अपर बॉडी को मैट पे रखते हुए स्ट्रेट, देन आपको क्या करना है, एक लेग को रेज करना है, अप एंड डाउन करना है, साइकिलिंग करना है इस तरीके से। देन किसी भी पिलो कवर को या कुछ को, किसी भी ऑब्जेक्ट को आपको क्या करना है कि बोथ लेग के बीच में होल्ड करना है, होल्ड करके पेट के बल लेट के आपको इसको क्या करना है, इस तरीके से 90 डिग्री पे लेग को फोल्ड करके रखना है थोड़ी देर के लिए। देन गरुड़ आसन, अर्धमत्स्येन आसन भी बहुत ही
यूजफुल एक्सरसाइज है योगासन है वो लेग्स के पेशेंट के लिए। देन नेक्स्ट वन एक्सरसाइज रिलेटेड टू राउंड शोल्डर्स की बात करें तो चक्रासन, धनुरासन, साइडवर्ड स्टिप को स्ट्रेच करना, किसी भी एक फीते को लेके, रबड़ को लेके आउटसाइड उसको स्ट्रेच करना। देन सुपरमैन पोज, गौमुख आसन, ये सारे आसनाज और एक्सरसाइजेस आपकी मोस्ट यूजफुल है राउंडेड शोल्डर पोस्चरल डिफॉर्मिटी के लिए। देन नेक्स्ट वन एक्सरसाइज रिलेटेड टू फ्लैट फुट, तो इसमें टावल को कल करना इस तरीके से, टो से अपने टावल को एक साथ कर्लिंग करना, बटोरना। देन मार्बल पिकअप्स, तो मार्बल्स को पिक करना, उठाना। देन टो टैप्स ना, तो इस तरीके से टैपिंग करना टो को। देन डीप टिशू मसाज, साथ ही साथ उसकी मसाज करना, टो को टैप करना, मसाज करना, ये सारी एक्सरसाइजेस आपकी फ्लैट फीट से रिलेटेड है। देन नेक्स्ट वन जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, जो पूछा जाता है स्पेशली वाइबा में भी ड्यूरिंग एग्जाम, आपसे एग्जामिनर बहुत पूछता है, तो उसकी बात कर लें, स्पोर्ट पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन इंडिया। तो जैसा कि स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन इंडिया, जेंडर इन इक्वालिटी इज स्ट्रांगली एविडेंट इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स, लेस अपॉर्चुनिटी इन कंपेरिजन ऑफ टू दियर मेल काउंटर पार्ट्स, सोशल इन्वायरमेंट इनहेबिट्स वुमेन्स फ्रॉम स्पोर्ट पार्टिसिपेशन, नाउ मोर स्पोर्ट्स वुमेन इमर्जिंग एज रोल मॉडल, no participation of women in Olympic till 1952। तो अगर हम बात करें कि इंडिया की, तो जैसा कि पहली बार ओलंपिक्स में जो वुमेन्स ने पार्टिसिपेट किया था वो कब किया था, 1900 में। देन बात करें अगर इंडिया की, तो इंडिया ने की जो वुमेन्स ने पार्टिसिपेट किया फर्स्ट टाइम वो 1952 के पहले किसी वुमेन्स ने ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट नहीं किया था। हेलन सिंह की ओलंपिक 1952 में फर्स्ट टाइम इंडियन वुमेन ने पार्टिसिपेट किया। रीजन की बात करें तो जैसे जो जेंडर सबसे बड़ा इश्यूज है कि महिलाएं हैं कहाँ स्पोर्ट्स खेलेंगी, कैसे इनको स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना, तो एक जेंडर इक्वालिटी की जो मेन बढ़ावा दिया जाता है, मोटिवेट किया जाता है, या स्पेक्टेटर्स हों ज़्यादा बॉयज़ के मैच को देखना पसंद करते, तो ये सारे रीजन्स थे जिसकी वजह से स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन बहुत कम था। देन लेस अपॉर्चुनिटीज इन कंपेरिजन टू देयर मेल काउंटर पार्ट, तो कहीं ना कहीं जो अपॉर्चुनिटीज है, चाहे वो स्पॉन्सरशिप की बात हो, चाहे वो कोच की बात हो, ये भी बहुत बड़ा रीजन था ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने का, वुमेन्स जो थी उनका लेस पार्टिसिपेशन होने का इंडिया में, कि फीमेल कोचेस कम है, उनको स्पॉन्सरशिप ज़्यादा नहीं मिलती, स्पेक्टेटर्स उतने देखने को नहीं मिल रहे उनके गेम्स को, और मीडिया कवरेज ज़्यादा नहीं मिल रही। देन सोशल इन्वायरमेंट इनहेबिट्स वुमेन फ्रॉम स्पोर्ट पार्टिसिपेशन, और जो हमारा सोशल इन्वायरमेंट है, जैसा एक भारतीय शब्द है कि महिलाएं हैं तो जो घर का काम करेंगी, हाउसवाइफ का काम करेंगी, ये खेलने कूदने कहाँ जाएंगी, तो ये सारे इशू जो हैं, जो इन्वायरमेंट है, पारिवारिक जो माहौल है, वो भी कहीं ना कहीं वुमेन पार्टिसिपेशन को लेस करते हैं। देन नाउ मोर स्पोर्ट्स वुमेन इमर्जिंग एज ए रोल मॉडल, लेकिन अभी आप वर्तमान समय में अब क्या हो रहा है कि धीरे धीरे बहुत सारी जो ओलंपिक्स में जब से पार्टिसिपेशन हुआ 1900 में वुमेन्स को अलाउ किया गया, तब से हम देख सकते हैं कि थोड़ा सा ये, तो स्टूडेंट से इस तरीके से हम देख सकते हैं स्पोर्ट पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन इंडिया को और डीपली मैं एक्सप्लेन करूँ, तो मेरी लीला रो एथलीट फर्स्ट वुमेन टू रिप्रेजेंट इंडिया एट हेलन सिंह की ओलंपिक इन 1952। तो मैरी लीला ने पहली वो भारतीय महिला थी जिन्होंने 1952 में इंडिया को रिप्रेजेंट किया ओलंपिक गेम्स में हेलन सिंह की में। कन्नम मल्लेश्वरी फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन ए ब्रॉन्ज मेडल एट सिडनी ओलंपिक 2000। तो कन्नम मल्लेश्वरी पहली भारतीय महिला हैं जिन्होंने सिडनी ओलंपिक 2000 में ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया था। देन नेक्स्ट वन बात करें, साइना नेहवाल एमसी मैरी कॉम नो वन ब्रॉन्ज मेडल इन बैडमिंटन एंड बॉक्सिंग इन लंदन ओलंपिक 2000। तो सानिया नेहवाल, एमसी मैरी कॉम, इन सब ने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया था बैडमिंटन और बॉक्सिंग में 2012 के लंदन ओलंपिक गेम्स में। देन रीजन फॉर लेस पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन स्पोर्ट्स,
इसकी बात कर ले हम, ये बहुत ज़्यादा आपको एक्सप्लेन करने के लिए आता है एग्ज़ाम में भी कि लैक ऑफ एजुकेशन एंड अवेयरनेस। तो सबसे बड़ा रीज़न जो है स्टूडेंट्स जो वुमेंस का लेस पार्टिसिपेशन का इन इंडिया में, वो क्या है, कहीं ना कहीं जो एजुकेशन की कमी है हमारे वुमेंस के अंदर, एजुकेशन की इतने चांसेस नहीं मिल रही, अपॉर्चुनिटीज नहीं है उनके पास, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं उनमें जागरूकता अवेयरनेस की भी कमी है जिसकी वजह से उनका पार्टिसिपेशन कम है। देन ट्रेडिशनल आउटलुक एंड व्यूज, तो जो कल्चरल वैल्यूज हैं, जो सोच है, जो इन्वायरमेंट है, वो कहीं ना कहीं उनको पार्टिसिपेशन को रिड्यूस करता है। देन मेल डोमिनेंट कल्चर ऑफ स्पोर्ट्स, तो स्पेशली अगर देखा जाए तो जैसा कि चाहे वो स्पेक्टेटर्स हो, मीडिया हो, स्पॉन्सरशिप हो, जो भी चीज़ें मेल पे ज़्यादा डोमिनेटेड होते हैं, मेल को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, ये भी एक रीज़न है फीमेल्स के लेस पार्टिसिपेशन का इन इंडिया। देन लैक ऑफ फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन एज ए रोल मॉडल, कहीं ना कहीं जो फीमेल्स हैं उनको एज ए रोल मॉडल बहुत ही कम रिप्रेजेंट किया जाता है, बहुत कम अपॉर्चुनिटीज मिलती है, इस वजह से भी एक बड़ा इशू है, एक बड़ा रीजन है जिसकी वजह से फीमेल्स जो है, वुमेन्स जो है, उनका पार्टिसिपेशन कम है इंडिया में। तो देन स्टूडेंट्स नेक्स्ट वन हम बात कर लें रीजन फॉर लेस पार्टिसिपेशन में, और अगर हम रीजन की इंक्लूड करें लैक ऑफ फीमेल कोचेस, सबसे बड़ा कहीं ना कहीं जो रीजन है वो ये भी एक रीजन है कि लेस पार्टिसिपेशन है, लेस कोचेस हैं, स्पेशली वुमेन कोचेस जो हैं, जो गर्ल्स हैं, जो जेंडर डिफरेंसेस है वो कहीं ना कहीं इशू बन जाता है, क्योंकि वो गर्ल्स जो है, फीमेल्स जो है, वो अपने आप को अनकम्फर्टेबल फील करती हैं एक मेल कोच के साथ या मेल कोच के साथ प्रैक्टिस करने में। तो ये एक बड़ा इशू है कि लैक ऑफ फीमेल कोचेस, फीमेल कोचेस की कमी होने भी एक रीजन है लेस पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन स्पोर्ट्स। लैक ऑफ पर्सनल सेफ्टी, और साथ ही साथ जो भी है आने जाने का पर्यावरण या इन्वायरमेंट, वो भी एक बड़ा इशू है कहीं ना कहीं, कि जो पर्सनल सेफ्टी की बात आती है कि अगर गर्ल्स की मैच है या टूर्नामेंट है, प्रैक्टिस करनी है या कंपटीशन की बात हो रही है, ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो सेफ्टी इशूज हैं वो एक बहुत बड़ा इशूज बन जाते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा अरेंजमेंट या बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत हो जाती, तो इस वजह से भी अपनी सेफ्टी को गर्ल्स की, फीमेल्स की, वो भी एक रीज़न बनता है लेस पार्टिसिपेशन का। देन लैक ऑफ इंटरेस्ट ऑफ स्पेक्टेटर्स एंड लेस मीडिया कवरेज, तो जो स्पेक्टेटर्स हैं वो स्पेशली मोस्टली क्या करते हैं कि मेल्स के मैचेस को ज़्यादा देखना पसंद करते हैं, तो जो दर्शक हैं कम होने की वजह से, ज़्यादा उसको प्रायोरिटी ना देने की वजह से एक रीज़न बनता है। साथ ही साथ लेस मीडिया कवरेज, ज़्यादा उनको पॉपुलरिटी नहीं मिलती क्योंकि मीडिया के थ्रू उनको शो नहीं किया जाता, उनको रिप्रेजेंट नहीं किया जाता, एज ए रोल मॉडल रिप्रेजेंट नहीं किया जाता, तो ये भी एक इशू है जो पार्टिसिपेशन को कम करता है वुमेंस के इन इंडिया। देन लैक ऑफ एसेस टू स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, और कहीं ना कहीं जो स्पॉन्सरशिप है, जो स्पोर्ट्स के लिए जो बजट है, जो फंड है, जो फैसिलिटीज है, वो भी अगर देखा जाए तो मेल के कंपैरिजन में कम प्रोवाइड होती है फीमेल्स को, इस वजह से भी थोड़ा सा पार्टिसिपेशन कम है। देन अब बात कर लें स्पेशल कंसिडरेशन मेनार्के की, मेंस्ट्रुअल की, डिसफंक्शन की, प्रेगनेंसी एंड मोनोपॉज की। तो फर्स्ट वन इसमें हम बात करेंगे स्पेशल प्रॉब्लम फेस्ड बाय वुमेन स्पोर्ट्स पर्सन, तो कुछ जो स्पेशल प्रॉब्लम है स्पेशली जो कि आप देखेंगे गर्ल्स को फेस करनी पड़ती है, तो मेनार्के इट इज़ द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड ऑफ ए गर्ल दैट जनरली हैपेंस एट द एज ऑफ 12 to 14। तो ये क्या है कि आप देखेंगे यहाँ पे ये 12 से 14 साल की एज में एक जो मंथली साइकिल्स की प्रॉब्लम्स है, पीरियड्स की जो प्रॉब्लम्स है गर्ल्स के साथ, वो भी एक बड़ा इशू होता है, यानी कि फर्स्ट टाइम जो ब्लीडिंग होती है गर्ल्स को, वो दिन जिसको उसे सिर्फ गर्ल्स को ही फेस करना है, गर्ल्स के साथ ही ये इशू बनता है। देन नेक्स्ट वन है इंटेंसिव स्पोर्ट्स एक्टिविटी मे लीड टू हेल्थ रिस्क टू यंग गर्ल्स एंड इट इज रिफ्लेक्टेड एज एन एबनॉर्मल मेनार्के। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अगर हाई इंटेंसिटी की एक्टिविटीज उस दौरान कराई जाती है उनको, तो उनको ये
एबनॉर्मलिटी जो मिनार्स हैं जो मंथली साइकिल्स हैं उसमें भी प्रॉब्लम होती है, जिससे उनके हेल्थ को भी रिस्क होता है। तो ये प्रॉब्लम्स उनको फेस करना, तो ये भी एक बड़ा इश्यूज है उनके पार्टिसिपेशन को कम करने का या प्रॉब्लम देने। स्पेशल प्रॉब्लम फेस बाय वुमेन स्पोर्ट्स पर्सन, तो यहाँ पे जो मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन है, इट इज़ डिसऑर्डर और इरेगुलेटरी इन मेंस्ट्रुअल साइकिल। द डिसऑर्डर आर ऑप्शंस ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, हैवी और प्रोलॉन्ग पीरियड, इरेगुलर पीरियड, डिले इन फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। तो यहाँ पे क्या है कि ये एक प्रॉब्लम्स और मेंस्ट्रुअल जो डिसफंक्शन है, प्रॉपर उसका टाइम से मंथली साइकिल का ना आना, किसी में इरेगुलरिटी होना उसमें, साथ ही साथ मेंस्ट्रुअल पीरियड का ऑप्शन होना टाइम टू टाइम, टाइम से ना आना लंबे समय तक मंथली साइकिल का, पेटों में क्रैम्प पड़ना, एटेंसी होना, हैवी प्रोलॉन्ग पीरियड लंबे समय तक पीरियड का रहना, इरेगुलर पीरियड यानी कि टाइम टू टाइम पीरियड ना आना, डिले इन फर्स्ट मेंस्ट्रुअल बहुत ज़्यादा देर से पीरियड का आना जो फर्स्ट टाइम जो मेनार्क है, तो वो एक बड़ा इशूज है। देयर इज ए मिसकॉन्सेप्शन दैट स्पोर्ट पार्टिसिपेशन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन कुड बी फिजियोलॉजिकल हार्मफुल। रिसर्च स्टडीज हैव इंडिकेटेड दैट देयर इज नो स्पेसिफिक इफेक्ट ऑन स्पोर्ट परफॉर्मेंस ड्यूरिंग ऑल फेजेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये एक बड़ा मिसकॉन्सेप्ट है वुमेंस के बीच में कि अगर ड्यूरिंग पीरियड वो किसी तरीके की फिजिकल एक्टिविटीज करती हैं तो उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है या उसकी वजह से ऐसा होता है, जो कि एक मिसकॉन्सेप्ट है, गलत अवधारणा है। रिसर्च इसको रिजेक्ट करता है, रिसर्च इस बात को कहीं भी जस्टिफाई नहीं करता है, जिसकी वजह से ये सोच के साथ यानी कि जो पीरियड है मंथली साइकिल है उसकी वजह से वो पार्टिसिपेट नहीं करना चाहती है, प्रैक्टिस नहीं करना चाहती है, तो ये भी एक इश्यूज बनता है उनके साथ। देन प्रेगनेंसी की बात करें, जो नेक्स्ट वन अब स्पेशल प्रॉब्लम्स की हम बात कर रहे हैं जो फेस करना पड़ता है वुमेंस को कंपेरिजन देन बॉयज, तो यहाँ पे क्या है, प्रेगनेंसी इट इज़ सीन एज ब्रेक इन स्पोर्ट्स करियर ऑफ ए वुमेन। तो यहाँ पे देखा जाता है कि जैसे प्रेगनेंट हो गई लेडी तो उसके लिए एक तरीके से वो टोटली ब्रेक कर देता है उसके स्पोर्ट्स करियर को, क्योंकि मिनिमम 9 मंथ उसको स्पोर्ट्स से दूर हो जाना होता है। उस सिचुएशन में क्या होता है कि उसकी जो भी प्रैक्टिस है, जो उसने अभी तक ट्रेनिंग की थी, वो सारी की सारी प्रोसेस फिर से उसको कम बैक करना होता है दोबारा जब ट्रेनिंग में आना होता है। तो ये बड़ा एक इशू है प्रेगनेंसी का जिसको उसे फेस करना होता है। इट इज़ नॉट रिकमेंडेड टू टेक पार्ट इन इंटेंसिव स्पोर्ट्स एक्टिविटीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो उसको कोई भी रिकमेंड नहीं किया जा सकता इंटेंसिव स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। मोनोपॉज की बात करें, इट इज़ द परमानेंट स्टॉपेज ऑफ प्राइमरी फंक्शंस ऑफ द ओवरीज। देयर इज नो प्रोडक्शन ऑफ ऑस्टियोजेन एंड प्रोस्टोस्टेरोन हार्मोन्स। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये मोनोपॉज जो है उसमें क्या होता है कि ऑस्टियोजेन का जो प्रोडक्शन है वो नहीं होता, साथ ही साथ जो प्रोस्टोजेन हार्मोन्स है ना, इनका प्रोडक्शन नहीं होता, जिसकी वजह से जो ओवरीज है वो उसके प्रॉपर प्राइमरी फंक्शन जो हैं वो स्टॉप हो जाते हैं, रुक जाते हैं। देन फीमेल एथलीट ट्राइड, जिसमें एनीमिया, ऑस्टियोपोरोसिस एंड एमनोरिया। इसमें फर्स्ट वन बात करें फीमेल एथलीट ट्राइड की, इट इज ए हेल्थ कंसर्न फॉर एक्टिव वुमेन एंड गर्ल्स हु आर ड्राइविंग टू एक्सेल इन स्पोर्ट्स। इट इन्वॉल्व 3 डिस्टिंक्ट्स एंड इंटर रिलेटेड कंडीशंस। इसमें ये क्या है कि ये स्पोर्ट्स में कहीं ना कहीं ये बड़ा इशूज है इनके साथ, 3 प्रॉब्लम जो फीमेल एथलीट ट्राइड की बात करें, एनीमिया, एमनोरिया, ऑस्टियोपोरोसिस, है ना। तो इसमें क्या होता है कि एनीमिया, लो बोन मास, है ना, देन मेंस्ट्रुअल डिस्टरबेंस, ये तीनों इश्यूज बन के ये 3 प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं जिसको फीमेल एथलीट ट्राइड बोलते हैं। तो हु इज अफेक्टेड द फीमेल एथलीट ट्राइड, एनी वन मे बी अफेक्टेड बट फीमेल्स पार्टिसिपेटिंग इन एक्टिविटीज विच एम्फेसाइज लीननेस ए एट हाई रिस्क। तो कह रहे हैं कि सभी से, जो फीमेल्स हैं सभी से अफेक्टेड हो सकती हैं, लेकिन जो वैसी फीमेल्स जिनके साथ, है ना, जिनकी बॉडी बहुत लीनियर है, पतली हैं, स्लिम है,
उनके साथ इसका हाई रिस्क होता है, स्पेशली जिमनास्टिक, बैलेट, ड्राइविंग, फिगर, स्केटिंग, एरोबिक्स, रनिंग। तो इस तरीके के जो गेम्स इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर रही हैं उनके साथ एक बड़ा इशूज होता है, उनको ज़्यादा चांसेस होते हैं इस तरीके के फीमेल एथलीट ट्राइड से अफेक्टेड होने का। देन नेक्स्ट वन, सिम्टम्स ऑफ ट्राइड में इंक्लूड फटीग, फ्रिक्वेंट इंजरी, लॉस ऑफ इंडोरेंस, इरेटिबिलिटी, इंक्रीज हीलिंग टाइम्स ऑफ इंजरीज एंड सेंसेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन। तो इसमें क्या है कि आप इसके लक्षण देख सकते हैं, बहुत जल्दी थक जाना, चोटें बहुत ज़्यादा लगना, इंजरीज होना, प्रॉपर वो बहुत ही जल्दी इरिटेट हो जाना, ये सारे रीजंस हैं उसके सिम्टम्स में आप देख सकते हैं फीमेल एथलीट ट्राइड के। देन एनीमिया की बात करें, डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ आरबीसी और हीमोग्लोबिन इन द ब्लड। तो एनीमिया क्या होता है कि हमारे जो ब्लड है, रेड ब्लड सेल्स है, उनके नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स डिक्रीज हो जाते हैं, या जो कह लीजिए कि अनदर वर्ड में जो हीमोग्लोबिन है हमारी बॉडी में, रक्त की कमी होना क्या कहलाता है, एनीमिया कहलाता है। देन फीमेल एथलीट्स ऑफन फेस एनीमिया ड्यू टू आयरन डिफिशेंसी। तो इनमें इसके पीछे एक रीजन होता है कि आयरन की कमी के कारण भी एनीमिया नामक रोग होता है। तो स्पेशली स्टूडेंट्स पूछा जाता है लैक ऑफ आयरन की कमी से कौन सी डिफिशेंसी होती है, आपको कौन सा डिसीज होती है, तो वो होती है एनीमिया। तो रेगुलर मेंस्ट्रुअल लॉसेस इंक्रीज द आयरन नीड ऑफ फीमेल एथलीट। तो जैसा कि जब रेगुलर ब्लीडिंग हो रही है तो उस वजह से क्या होता है कि आयरन की कमी हो जाती बॉडी में, जिसकी वजह से फीमेल एथलीट जो है वो एनीमिया से ग्रसित हो जाती है। दे नीड टू टेक एक्स्ट्रा केयर टू फुलफिल एडिशनल आयरन रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी बाई टेकिंग आयरन रिच फूड। तो उसको स्पेशल नीड, स्पेशल केयर की ज़रूरत है कि जो आयरन रिच फूड है उसे वो क्या करे, ज़्यादा इंटेक करे या उसकी क्वांटिटी ज़्यादा ले अपने फूड में। देन ऑस्टियोपोरोसिस की बात करें तो ऑस्टियोपोरोसिस आपको मैं पहले इसको एक्सप्लेन कर दूँ, देन मैं समझाता हूँ। इट रिफर्स टू द डिक्रीज्ड बोन मटेरियल कंटेंट्स, इट इज ए स्केलेटल डिसऑर्डर, इट पुट्स वुमेन एथलीट एट ए रिस्क ऑफ बोन फ्रैक्चर। देन फिफ्थ वन, लो ऑस्टियोजन लेवल एंड लो कैल्शियम इनटेक कैन लीड टू ऑस्टियोपोरोसिस, फॉलोइंग फैक्टर्स लीड टू ऑस्टियोपोरोसिस अमंग द वुमेन एथलीट। इनसफिशियंट कैल्शियम इन डाइट, ईटिंग डिसऑर्डर, बैड ईटिंग हैबिट्स, एनोमोरिया। तो यहाँ भी स्टूडेंट्स आप ऐसे समझ सकते हो ऑस्टियोपोरोसिस जस्ट लाइक आपका एक हनी बी, जैसा हनी बी होता है मधुमक्खी का छत्ता, तो आपकी बोन्स जो होती है उसी तरीके से एक स्पंजी फॉर्म में हो जाती है, यानी कि बोन्स जो हड्डियाँ हैं वो उभर कर थोड़ा सा बाहर की तरफ, जो उसकी डेंसिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। इसके पीछे रीजन क्या होता है, रीजन ये होता है कि आप प्रॉपर कैल्शियम नहीं ले रहे हो आप अपनी डाइट में, या प्रॉपर वे में आप अपनी डाइट को जिस फूड क्वांटिटी में लेना चाहिए वो नहीं लेना चाह रहे हो, साथ ही साथ खाने के गलत तरीके के कारण हो सकता है, और आपकी बॉडी में ब्लड की कमी हो इसकी वजह से भी हो सकता है। देन इसकी वजह से जो फ्रैक्चर के चांसेस हैं वो आपकी बॉडी में इंक्रीज हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो ऑस्टियोपोरोसिस भी आपका फीमेल एथलीट टायर्ड में एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि इसमें आपकी जो बोन्स की डेंसिटी है वो डिक्रीज हो जाती है, और आपकी बोन्स जस्ट लाइक एक स्पंजी फॉर्म में देखने को के लिए तो उसका शेप जो है वर्कर बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन अंदर से एकदम वो जस्ट लाइक हनी हाइव के तरीके, मधुमक्खी के छत्ते के तरीके एकदम स्पंजी हो जाता है, अंदर से एकदम खोखला हो जाता है, जिसमें बोन्स की इंजरीज, फ्रैक्चर के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। देन एनोमोरिया की बात करें, इट इज एन एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन फॉर 3 मंथ्स आर मोर। तो एमोनोरिया जो होता है उसमें क्या होता है कि इसमें आपका जो मंथली साइकिल्स है वो गर्ल्स का वो 3 or more than 3 months क्या होता है कि एब्सेंस हो जाता है, जो ब्लीडिंग है मंथली साइकिल की वो 3 या 3 महीने से ज़्यादा तक कंटिन्यू एब्सेंस रहती नहीं होती। तो प्राइमरी एमोनोरिया डिलेड बिगनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो जो प्राइमरी एमोनोरिया है उसमें क्या होता है कि सिर्फ जो मंथली साइकिल्स हैं
उसको देर से आना है, देर से होना, ये एक है। देन सेकेंडरी एमोनिया में क्या है, स्टॉपिंग ऑफ रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल फॉर 3 months आर मोर, तो 3 महीने तक, प्राइमरी सेकेंडरी है ना, तो ये दोनों जो हैं। प्राइमरी में क्या होता है कि थोड़ा सा डिले हो जाता है, हफ्ते 10 दिन 15 दिन, वो इस कैटेगरी में आता है प्राइमरी एमोनिया में। सेकेंडरी एमोनिया में क्या होता है कि 3 months और मोर आपकी जो ब्लीडिंग है, मंथली साइकिल है, वो डिले हो जाती है। देन वेरियस फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एमोनिया, तो इसके पीछे वेरियस फैक्टर्स है। देन हार्मोनल चेंजेस, जैसे आपकी एज फैक्टर है उसमें आ सकता है कि जो हार्मोन्स हैं उनमें चेंजेस होना, उनका बढ़ना या घटना आपकी बॉडी में। इंटेंसिव एक्सरसाइज है ना, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी लोड के साथ आप एक्सरसाइज कर रहे हो, इनटेक ऑफ लेस कैलोरीज और साथ ही साथ कम कैलोरीज फूड ले रहे हो, तो ये सारे रीजंस होते हैं आपकी बॉडी में एमोनिया को क्रिएट करने के, बनने के। देन प्रिवेंटिंग द फीमेल एथलीट ट्राइड, तो इसको प्रिवेंट कैसे किया जाता है, इसके लिए फर्स्ट वन आप दे सकते हो सजेशन, प्रेशर टू अचीव अनरियलिस्टिकली लो बॉडी वेट शुड बी अवॉइडेड बाई कोचेज पेरेंट। तो यहाँ पे क्या करना है कि जो भी एथलीट है उसको ये ध्यान रखना है कि उसका बॉडी वेट हमेशा नॉर्मल रहे, लो ना होने पाए, जो भी उसके कोचेस हैं, ट्रेनर हैं, पेरेंट्स हैं उनको। देन आउट ऑफ कंपटीशन वेट इन शुड बी डिस्करेज, तो कभी कभी क्या होता है कि एकाएक वेट को तोड़वाया जाता है कंपटीशन के लिए, गेम्स के लिए, तो ये बिल्कुल इसको अलाउ नहीं किया जाना चाहिए कि वेट की वजह से उसको कंपटीशन में लाने के लिए, कम कैटेगरी में वेट केजी में पार्टिसिपेट कराने के लिए उसका वेट तोड़वाया जाए। देन रूल्स गवर्निंग स्पोर्ट्स शुड बी एग्जामिनड एंड रूल्स इनकरेजिंग एक्सेसिव लीननेस शुड बी रिवाइज, तो जो रूल्स रेगुलेशंस है स्पोर्ट्स के उसको थ्रू उसको एग्जाम करना चाहिए, साथ ही साथ इनकरेज करना चाहिए कि उसी के अकॉर्डिंग वो पार्टिसिपेट करे, फॉलो करे। देन एथलीट्स एंड कोचेस शुड बी इनकरेज टू लुक फॉर वार्निंग साइन ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर, तो एथलीट जो भी हैं उनको इस तरीके के अगर डिसऑर्डर्स मिलते हैं तो उसको अलग तरीके से ट्रीट करके, थोड़ा सा वार्न करके, इसके सिम्टम्स को देख करके उसके लिए स्पेशल कंसिड्रेशन की ज़रूरत है, उसको ट्रीट किया जाए। देन स्टूडेंट थैंक यू, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो चैनल फिटनेस पाठशाला को लाइक सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने फ्रेंडों के साथ भी इस चैनल को शेयर करें फिटनेस पाठशाला को, जिस पे आप सभी को फिटनेस रिलेटेड वीडियो, साथ ही साथ 11th 12th के एक्सप्लेनेशन फॉर्म के वीडियोज और MCQs वीडियोज अवेलेबल है, मिलेंगे, जिसके थ्रू आप अपनी हेल्थ को भी मेंटेन कर सकते हो, हेल्थ बिल्डअप कर सकते हो, और साथ ही साथ बोर्ड एग्ज़ाम के लिए या स्कूल एग्ज़ाम के लिए अच्छे मार्क्स भी प्राप्त कर सकते हो। तो जो भी आपके सजेशंस हों या जो आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना चाहते हो, वो भी साथ ही साथ आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको इससे रिलेटेड किस तरीके के वीडियोज आप चाहते हो, किस टॉपिक से रिलेटेड, तो उससे रिलेटेड भी मैं वीडियोज़ आपके लिए बना सकूँ। थैंक यू।